नूह मेवात इन दिनों सुर्खियों में है। नूह में हुई हिंसा का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि गौ तस्करों ने एक बार फिर अपनी करतूत दुनिया के सामने दिखा दिया है। दरअसल शनिवार देर रात दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर महू गांव के फ्लाईओवर पर गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक गौ तस्कर घायल हो गया, जिसे नूह के मेडिकल कॉलेज नलहड़ में भर्ती कराया गया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक कैंटर गाड़ी में गौ तस्कर गोवंश को ले जाएंगे। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने महू गांव के फ्लाईओवर पर नाकेबंदी की। थोड़ी देर बाद जब कैंटर गाड़ी वहां आई तो पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और अपनी रफ्तार तेज कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। इस दौरान गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग का पुलिस की ओर से भी जवाब दिया गया, जिसमें ड्राइवर के पैर में एक गोली लगी, जिसे पुलिस ने काबू कर लिया। हालांकि इस गोलीबारी और अंधेरे का फायदा उठाकर एक गौ तस्कर वहां से फरार हो गया। देखिए, रात की घटना जो बीती रात है हमारे फिरोजपुर थाना के इलाके में मुंबई एक्सप्रेसवे की ये घटना है। हमारा SHO ट्रैफिक का वहाँ पर गश्त कर रहे थे, उनको सूचना मिली थी कि कोई गाय गौ तस्कर जो ना गाय की गाड़ी भर के और लेके जा रहे हैं। तो जब वो गाड़ी आई तो उन्होंने उसका पीछा किया, तो उन्होंने हमारी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की, फायरिंग की, और फिर हमारी गाड़ी जब नज़दीक उनके पहुँची तो वो गाड़ी को अचानक छोड़ के और भागने लग गए और फायरिंग करते हुए वो भाग रहे थे। और पुलिस ने भी अपने बचाव में फायरिंग की तो एक ड्राइवर जो था उसकी टांग में गोली लगी और उसको पुलिस ने काबू कर लिया। अभी उससे पूछताछ चल रही है। दूसरा जो आरोपी था वो भागने में कामयाब हो गया। हाँ, वो थे गवाह के तौर पर, वो रखे हुए थे साथ। और उसके बाद ये भी पता चला कि उनके साथ एक दो गाड़ियाँ और चल रही थी। पूछताछ में पता लगेगा तो फर्दर जो जो भी इसमें नाम आएंगे उनको हम गिरफ्तार करें। पुलिस की पूछताछ में ड्राइवर ने अपनी पहचान तौफीक के रूप में बताई है, जो उटावड़ का रहने वाला है। कैंटर की तलाशी लेने पर 14 बैल और 7 गाय बरामद हुई है। सभी गोवंशों को अलवर गौरक्षकों की एक टीम की मदद से गौशाला में भेज दिया गया है। सदर थाना पुलिस ने तौफीक सहित एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। नूह से कासिम खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।